अल्मोड़ा से है जहां पेंशन और गैर सैड राजधानी सहित तमाम राज आंदोलनकारियों ने चौगान पाटा में अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए। राज आंदोलनकारियों ने 20,000 पेंशन देने की मांग की है। राज आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार पर मांगों पर गौर नहीं करने का आरोप लगाया। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार में ग्रीष्मकालीन सत्र चलाने की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये राज्य आंदोलनकारी जो एक दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने विगत वर्ष घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन राज्य में दी जाएगी, वो घोषणा अभी लागू नहीं हुई है। 2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देंगे। साल साल भर लोगों के फार्म भरे हुए हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी जो भी मांगे हैं सरकार को भेजते हैं, उन पर सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जरूर दिशा निर्देश देते हैं, ऐसा लगता है कि सचिवालय में बैठे जो हमारे अधिकारी हैं उन मांगों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक तरह से एक चक्रव्यूह जैसा हमारा देहरादून स्थित सचिवालय हो गया है, जहां पर कोई भी मांगे जनता की जाती हैं तो उनको वो वहां फंस के रह जाती हैं और वो वहां से बाहर उनका निस्तारण होके नहीं आता है।